DC Kargil and district officer, Assalamu Alaikum. Primary school के लिए एक drone की जरूरत है. यहाँ पे कोई drone मौजूद नहीं और आपने primary school को भी देखा है सर. वहाँ पे drone ना होने की वजह से extra curricular activities में हम इतना मशहूर नहीं हो पाते और इतना active नहीं हो पाते. आप कुछ contribute करेंगे, अगर आप 10% करेंगे तो मैं 90% करूँगा, क्योंकि बिना contribution के कुछ नहीं होता है. आपके पास assets पहले भी थे, मैं हमेशा ये बात बोलता है, हम पहले भी बोलता हूँ आज भी बोलूँगा कि दुनिया में स्कूल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आप जहन्नुम का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं और जन्नत का भी कर सकते हैं. हमारे जो मिडिल स्कूल ऊपर था उसमें मास्टर साहब थे, तो उन्होंने इलामा इकबाल का यही शेर लिखा हुआ था कि हर आदमी जो है उसकी अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो है वो होती है. अगर वो ये सोच ले कि सारा काम डीसी ने करना है, सारा काम एससी ने करना है, सारा काम एक्सीएल ने करना है, या सारा काम बीएमओ करेगा, या सारा काम हमारी सरपंच मैडम है वो करेंगी, या कोई भी आदमी जो है टीचर ही एक सारा काम करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है. क्योंकि जैसे आपका घर चलता है इसी तरीके से समाज चलता है. घर में वालिदैन का अलग रोल होता है, बहन भाइयों का अलग एक रोल होता है, उसके बाद सारी चीज़ें जो है अगर हम इस तरीके से कहें कि जिस तरीके से हमारा घर चलता है उसी तरीके से हमारी सोसाइटी चलती है ना. जैसे आपकी घर में कोई ना कोई एक बैठक होती है जहाँ सारे बैठते हैं, मेहमान आपके घर आता है वो बैठता है, तो उसी तरीके से आपका जो अपने मसाइल जितने भी हैं उनका जो है वो पेश करते हैं और उनका आजाने के लिए आप गुहार लगाते हैं. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप सारे मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके ये तीन पॉइंट्स जो हैं हम प्रायोरिटी में उठाएंगे, जहाँ पे एक तो हमने देखा एक उससे आगे भी है, एक गुंड में है. यहाँ पे पैसा दो, 90% पैसा दे दो. ये भी नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं प्लान में आपको रखूंगा, फिर उसके बाद दो साल के बाद आपका आएगा, फिर उसके बाद एक हर्टेंस नया पैदा होगा जो वो काम लेगा, फिर वो करेगा नहीं करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि आपका और मुद्दत के अंदर उसकी वक्ती जरूरत पूरी होती है ना. तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तो किसी भी काम का कोई फायदा या नुकसान कुछ नहीं होता, मतलब किसी काम का ही नहीं, ठीक है ना. तो इसलिए जब तक आप सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप मुझे 10 ही रुपए दो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देना है. आप समझ रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट हम 5 लाख का आपको एक प्रोजेक्ट बना के देंगे, आप 85,000 दो देंगे नहीं देंगे. तो जब तक आप इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आएगी. जैसे हम ही करते हैं ना, जैसे मैं स्कूल में जब पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर है हमारे ये भी इसी उससे गुजरे. जब मैं गुलाम साहब से सुबह ही बोला, जब बाप का पैसा होता है तो फिर 100 इसको भी दे दिया, 50 इसको भी दे दिया, चल तो ऐश कर, है ना. लेकिन जब बात अपनी आती है, जब अपना कमाने के बाद आदमी देता है तब दे ना 100 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, तब बात तो तब है. बाप का पैसा हर कोई उड़ाता है. इसलिए आप चाहे मुझे 10 ही रुपये दो, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है. जितनी कंट्रीब्यूशन आप देंगे कम्युनिटी बेस पे, क्योंकि ये आपकी लाइफ लाइन है. अगर मैं यहाँ से जो आपका बड़गाम से जो कैनाल आती है, जो ये नाला आता है जिससे आपका पानी आ रहा है, अगर ये पानी मैं यहाँ से हटा दूँ क्या कोई यहाँ बसेगा? नहीं, नहीं, सारे बोले ना अभी, ये 2-3 ही बोल रहे, कोई बसेगा? तो इसका मतलब क्या है, पानी क्या है? आपकी लाइफ लाइन है. तो जब लाइफ लाइन है तो लाइफ लाइन में आपके 10 रुपए तो लगने चाहिए ना. चलो 90 सरकार देगी, लेकिन 10 रुपए कम से कम आप लगाएं, ठीक है. आप इस बात से अग्री हैं? तो अगर आप अग्री हैं, जितना भी पैसा इसमें आएगा, एससी साहब हमारे यहीं से हैं, तो इन्हें जो भी हमारा जो रास्ता कैनाल का, तो हम देखेंगे जो खासकर पौंड है हमारे यहाँ पे तालाब जो है, तो अगर उनको बनवाना है 10% रकम अगर आपकी आएगी तो बाकी में जो है कल ही सुबह रिलीज कर. अब आपकी मर्जी है. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चिट्ठी लेके जाना है सेक्रेटरीट में, वहां से पैसा लाना है, ये करना वो करना है, जो भी कोई बात नहीं. मेरे पास जो भी अवेलेबल फंड्स होंगे वो मैं उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करके आपको दे दूंगा, लेकिन 10% उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए. अगर आप देंगे तो कल सुबह ही हम आपका काम स्टार्ट करेंगे.
तो अगर इसी तरीके से अगर ऊपर वाला हवा में कंजूसी कर दे फिर क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगा ना। और जब जीना मुश्किल होता तब आदमी बोलता सब जाए लेकिन जान बच जाए, है ना। तो अभी ये हमारी लाइफ लाइन है, इसके लिए बढ़ चढ़ कर दिल खोल कर जो है आपने देना है। जरूरी नहीं कि आप हमें पैसे की शक्ल में, आप हमें लेबर दे दो, हमें उससे क्या है। मतलब मैं आपके ऊपर वो बर्डन भी नहीं कि आप हमें लेबर दे दो कि भाई इतनी लेबर जो है आप हमें देंगे, इतना पैसा हम देंगे, मटेरियल हम देंगे, इंजीनियर हम देंगे और काम जो, और ये काम नहीं कि ये काम 6 महीने चलता रहे, काम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने दोनों चीज, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो आपका जो है रेजोल्यूशन मेरा, अभी कोई भी आप किसी को भी नॉमिनेट कर दो जो आपके गाँव में है, जिसको आप चाहते हैं, तो वो मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस पे लिख के दे दे कि वो क्या दे देगा। अगर वो हमें लेबर दे देगा या पत्थर मटेरियल जो हमें चाहिए होगा, रेत बजरी, वो अगर ढो के हमें ला के दे देगा कोई बात नहीं, बाकी इंजीनियर हमारा रहेगा और जो हमारी तरफ से पैसा होगा वो हम पैसा आपको लगाएंगे, ठीक है ना। इस चीज के लिए अग्री है? अग्री है? तो ठीक है। बाकी आपका जो हमने स्कूल के लिए बोला है, स्कूल का काम भी हम कम से कम भी हमारा ये आप नोट कर रहे हैं इस बार के कम से कम भी अभी जो 3 महीने हमारे पास हैं, अभी इतनी जल्दी वर्क को यहाँ नहीं पड़ेगा, तो जितना भी हमारा वर्क हो सकता है, ठीक है, तो कम से कम एक स्टोरी हम जो है उसको रूफ लेवल तक पहुँचा, ठीक है। डॉक्टर सर, डॉक्टर उससे किस किस को मार पड़ी है? बताओ किसी को पड़ी है? तो चलो किसको हाथ से मार पड़ी है? वो तो हर किसी सबको पड़ी है, है? आपको पड़ी है? रोज मम्मी मार कब कब पड़ती है? किसको रोज मार पड़ती है ये बताओ। के दोस्त हैं आप में से कितने हैं, जिनके आपके कितने दोस्त हैं? शाबाश। आपके कितने दोस्त हैं? दो। शाबाश। आपकी कितनी सहेलियां बेटी? सारी मेरे फ्रेंड। पांच। वेरी गुड। आपकी कितनी है? पांच। आपके कितने दोस्त हैं? आपके दोस्त कितने हैं? तीन। तो आपने अपने दोस्तों के साथ भाईचारा बना के रखना है। क्या रखना है? वो सबसे बेस्ट चीज होती है अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बना के रखना, ठीक है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर बनना तो स्कूल बनाएगा, डॉक्टर बनना तो स्कूल बनाएगा, प्रोफेसर बनाना तो स्कूल। यहाँ पे आप जितने भी मुलाजिम देख रहे हो ना, कौन सा है जो मदरसे का पढ़ा हुआ? पहले एक बात बता दो, ये मास्टर साहब हैं हमारे, मैं हूँ, हमारे इसी, ये तो आपके केएस ऑफिसर यहीं से है ना, पूछ लो, आप यहीं से हो ना, तो आप इनको पूछो। गुलाम साहब हमारे, इन्होंने तब उस समय एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की है जब कोई भी नहीं करता, तब तो पढ़ाई का सिस्टम ही नहीं होता। तो आपको इन चीज़ों पे जब तक आप पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लें, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं तो आपका प्रोजेक्ट, एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डिपार्टमेंट को फ़र्क पड़ेगा, ना सरकार को फ़र्क पड़ेगा, ना किसी और चीज़ को फर्क। ये कितने पेड़ हैं गिन लोगे, आपको भी पता है पेड़ का कितना मिलता है। सर गिन के दिया हुआ है ना, सरपंच को पता है। नहीं नहीं ठीक है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैं अंदर कंपनसेशन मिलेगा आपको। अब आप बोलेंगे अभी कंपनसेशन मिलेगा, तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, मैं बताता हूँ आपको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है। करगिल ले को छोड़ के हमारे पास कंपनसेशन का पैसा स्टेट से आता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से पैसा निकालना पड़ता है।